अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये चैनल किड्स की प्रॉब्लम्स और इंटरटेनमेंट पे बनाया है। ये चैनल स्पेशली मदर्स के लिए बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले आपके बताए गए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को अभी दबाइए और बराबर में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिलें, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और हमारे घर आई हुई हैं मारिया की पुप्पो। ये है उनका छोटा सा प्यारा सा न्यू बॉर्न मोहम्मद अहमद। और ये है चोचा प्योरा चो गुज्जो। और मारिया ने मोहम्मद अहमद को पकड़ा हुआ है, व्लॉग का स्टार्ट किया है और मोहम्मद अहमद रोना शुरू हो गए हैं मारिया के पास। मारिया पारी कर लो इसको। अभी हम मारिया का एक चेकअप भी है, सेकंड ओपिनियन लेना है, वो भी लेंगे। और इसको मैं जल्दी से पकड़ लूँ, चुपकला लूँ जल्दी जल्दी से। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिन अमजद, क्या कर रहे हैं नानों के घर आके? साले क्या कर रहा है? साले इधर देखो। मोहम्मद साले हाय बोलो। हाय मोहम्मद साले, वेरी गुड। मोहम्मद साले भी हाय करे। हाय 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 साले। भूख लगी मारिया? हम जा रहे हैं मारिया के लिए सेकंड ओपिनियन लेने, इसकी सर्जरी के हवाले से। यहाँ फाइल ले लेंगे इसको। हाँ जी, यहाँ डॉक्टर माजिद हैं, उनसे सेकंड ओपिनियन लेने जा रहे हैं। और मारिया जो है वो पीछे बैठी हुई है, बस देखते हैं अभी जाके। इसकी पुप्पो ने भी हमारे साथ ही आना था, सोच रहे थे प्लेलैंड लेके जाएंगे, लेकिन उसकी न्यू बॉर्न की जो है वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो घर पर ही हैं। और हमें मारिया का चेकअप कराना था इसलिए फिर हम आ गए। सारे जो हैं घर में भी खाना खा रहे थे, अभी फ्री हुए हैं तो बस हम साथ ही जो है वो निकल पड़े हैं। इसका दुपट्टा जो है ना वो गले में कर दें सही तरह से। हाँ फिश, ओ वाव। चलो मारिया, हाँ जी आया। फिश पे, फिश के साथ आगे खेलते हैं। चलो चलो फिश, बाय बाय। चलो चलो मानी। मारिया आपको क्या नज़र आया था उसमें? बैलून नज़र आ रहे थे। अच्छा, आपका चेकअप हो रहा था। चलो इंशाल्लाह आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है? इधर बैठ जाइए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रोने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके ड्रॉप्स नहीं डलेंगे, ड्रॉप्स नहीं डलने बेटे। डॉक्टर अंकल ने तो आपसे हेलो हाई कर, रोना धोना नहीं है। डॉक्टर अंकल ने पूछना है मारिया कैसी है, अच्छा क्या प्रॉब्लम है मारिया को, रोना नहीं है मेरे बेटे ने। ए, कौन सी साइड है इसकी? राइट, राइट साइड से इसने देखना है, लेफ्ट को बंद करना है। बंद लेफ्ट को करना। हाँ जी, ये उतारना पड़ेगा ना, ये वाला क्या डोरी, डोरी उतारनी पड़ेगी। हाँ चलो ये लगा लेंगे खुद, कोई मसला। मैं सिर्फ आपको ना स्केच बना रहा हूँ। अच्छा उधर को ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक है? चलें 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 चलें। मारिया का चेकअप हो गया है और बस हम घर जाने लगे हैं। आराम से बैठे बैठे काफ़ी डिटेल में डॉक्टर के साथ बात हुई है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं KFC, क्योंकि मारिया बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है कि उस
उसको जो है ना प्ले एरिया में जाना है, प्ले लैंड, तो और प्ले लैंड में तो जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इस टाइम। तो हमने सोचा कि चलो वो वाला इसको पसंद है KFC का प्ले एरिया, तो हम वहीं ले जाते हैं खाना। तो हम सब मतलब हम खा गए हैं सारे, तो वहाँ जा के बस इसको खेल लेगी और हम चाय शाय पी लेंगे। मोहम्मद जो है वो तो ऑलरेडी सो चुके हैं, सोया हुआ है, और इसको जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा प्ले एरिया में जाए बगैर, तो इस वजह से हम वहाँ लेके जा रहे हैं। बाकी डॉक्टर से इसकी सारी बात हुई है डिटेल में इसकी सर्जरी के हवाले से, तो उन्होंने तो यही ओपिनियन दिया है कि अभी आप कुछ वेट करें, 1 मंथ का और टाइम इन्होंने भी दिया है। लेकिन इन्होंने कुछ काम इसका मतलब ड्राइंग स्टार्ट कराई है, ड्राइंग स्टार्ट कराने के अलावा आई पैच का थोड़ा आई पैच दिया है, एक आई को कवर करने का बोला है, क्योंकि जिसकी वीजन पे थोड़ा अफेक्ट हो रहा है राइट आई को, उसको लेज़ी आई है वो, और उसको थोड़ा ठीक करने के लिए जो है ना वो दूसरी आँख पर पैच लगाना है, ताकि जो इसकी राइट आई है वो खुद से थोड़ा ज़ोर लगाए और वीजन कुछ बेहतर हो। अभी ये भी करके देखते हैं सर्जरी, तो वो कहते हैं कि जैसे इसकी आँख का है सर्जरी तो चांसेस हैं कि होगी। मैं यही चाह रही थी कि ज़रा थोड़ा सा और देख लिया जाए, तो सर्जरी तो होनी है, तो फिर तब तक ज़रा ये भी थोड़ी हो जाएगी। आज इसने काफ़ी कोऑपरेट किया है इस डॉक्टर के साथ ना, चीज़ें वगैरह भी काफ़ी बताई हैं, वीएन इसकी चेक हुई है, तो बाकी सब इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और अब कैब से जाके मुलाकात होती है। मोहम्मद सो गया इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, मारिया अपने बाबा के साथ जो है वो जा रही है, और प्ले एरिया में ये सामने प्ले एरिया बना हुआ है KFC का, तो मैंने उनको ही कहा कि इसको 5 से 10 मिनट जो है वो फिर आके ले आएँ, क्योंकि मोहम्मद सो चुका है, मैं उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगी। हॉट शॉट का वेट कर रहे हैं, मारिया आ गई है थक टूट के, 5 मिनट बहुत मुश्किल गई है, बस एवं ज़िद लगाई हुई थी। और हम घर पहुंच गए हैं,